মুখ্যমন্ত্রী শুধু ভোট নিয়েছেন, সংখ্যালঘু মানুষদের জন্য কিছুই করেননি। শিলিগুড়িতে এসে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল দলকে কটাক্ষ করলেন সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জন বার্লা। সংখ্যালঘু মানুষের জন্য কি করছেন? শুধু ভোট নিয়েছেন, রাজনীতির লাভ নিয়েছেন, তাদের উন্নয়নের জন্য কিছু করেনি তৃণমূলের সরকার। শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে এমনইভাবে সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জন বার্লা কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলকে। মঙ্গলবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন তিনি। সেখান থেকে তাকে সংবর্ধনা জানান বিজেপির নেতাকর্মীরা। এরপরই মাল্লাগুড়ির কাছে বিজেপির কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন জন বার্লা। এদিন তিনি ছাড়াও সাংবাদিক বৈঠকে দার্জিলিং জেলার সাংসদ রাজু বেস্ট, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় ও বিজেপি বিধায়কেরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন জন বার্লা বলেন, বারবার একই বাত বল রহা কি দিদি ডরি হুই হ্যায়, আগর কাল ইয়ে কার্যকর্তা জাগ গয়া হ্যায়, আব চুপচাপ বেঠনে ওয়ালে নেই, কিতনা দিন আপ রোকিয়েগা, দিল সে আপ কাম কিজিয়ে, দিল সে কাম করনা, জনতা কা সেবা আগর জিতনা হ্যায় তো কাম করকে আপ দিল জিতিয়ে, ইস তরহ সে পুলিশ প্রশাসন কো আপ রাস্তা মে উতার কর করকে जनता को आप नहीं रोक सकते हैं। कितना दिन रोकिएगा? जनता का दिल में हमारे प्रधानमंत्री घुस चुके हैं। आने वाला दिन और आप जवाब देने वाला। दार्जिलिंग जा रहे हूँ आज, हमारे कार्यकर्ता से हम मुलाकात होगी। जरूर जरूर, वहाँ बहुत सारा माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी से, क्योंकि जो मिलना चाहिए पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य सरकार साथ मिल के माइनॉरिटी के लिए काम करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार केंद्र के साथ नहीं मिलने के कारण से बहुत सारा योजना अभी तक रुका। आने वाला दिन मैं इनके लिए काम करूँगा और बहुत सारा योजना हमारे प्रधानमंत्री उसको मैं घर घर तक पहुँचाऊँगा। यह मेरा उद्देश्य, अगर जीता होता तो आप तो आप अपने आप को बोल रहे हैं 2,80,00,000 वोट से जीते हैं, आपको मिला है और हमें 2,28,00,000 हमें वोट मिला है। यह आपका 2,80,00,000 वोट आपका नहीं है, वो मेरा है। आपने छल बल करके हमें, इसीलिए आप डर रही है, हमारे कार्यकर्ता को हमसे मिलने आप नहीं दे रहे, नहीं तो क्या जरूरत था? हम आए थे इस क्षेत्र का पूरा पश्चिम बंगाल के, मैं तो केंद्रीय मंत्री हूँ आज पूरा पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटी के लिए क्या काम किए हैं आप? आप उनसे वोट लिए हैं, अब उनसे राजनीति का लाभ लिए हैं, लेकिन उनके लिए क्या काम किए हैं? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करना चाहते हैं, राज्य और केंद्र मिलकर इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, लेकिन हर समय केंद्र के साथ लड़ाई झगड़ा जनता देख रही है। आने वाला दिन फिर से आप सोच रहे हैं, सपना देख रही है प्रधानमंत्री का, मुंगेरी लाल का हसीन सपना तो छोड़ जाइए। 18 हम जीते, 2024 में हम 42 का 42 हम पार, देखिए अच्छा हम वोट अच्छा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे यहाँ, और जनता ने आशीर्वाद दिया है। इस बार भी नॉर्थ बंगाल में आशीर्वाद दिया है, नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल में भी आशीर्वाद, लेकिन आपने छल किया, हमारे डर हमारे कार्यकर्ता को डराया धमका जा रहा है, ज्यादा दिन नहीं है, चलने वाले नहीं। অন্যদিকে এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন সাংসদ রাজু বেস্ট।